पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वार्ड 41 की भाजपा पार्षद प्रत्याशी फरहा अंसारी के चुनाव कार्यालय का आज नगर विधायक रितेश गुप्ता ने फीता काटकर शुभारंभ किया। शुभारंभ करने के बाद नगर विधायक रितेश गुप्ता ने भाजपा पार्षद प्रत्याशी फरहा अंसारी के साथ जनसंपर्क किया और क्षेत्र की जनता से मेयर का वोट महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल को और पार्षद का वोट फरहा अंसारी को देने की अपील की। इस अवसर पर सभी उपस्थित जनसमूह ने फूल मालाएं पहनाकर और उपहार देकर नगर विधायक रितेश गुप्ता का जोरदार स्वागत किया। मतदाताओं से मुलाकात करते हुए नगर विधायक रितेश गुप्ता ने भाजपा के पक्ष में वोट करने की सभी से अपील की। तो वहीं वार्ड 41 में भाजपा पार्षद प्रत्याशी फरहा अंसारी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक राजेश रस्तोगी का भी जोरदार स्वागत किया गया और आभार जताया गया। इस अवसर पर राजेश रस्तोगी ने क्षेत्र में भ्रमण करके फरहा अंसारी के पक्ष में वोट करने की अपील की, साथ ही चादर पोशी करके फरहा अंसारी की जीत के लिए दुआएं बुलंद की। इस अवसर पर भाजपा पार्षद प्रत्याशी फरहा अंसारी ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि क्षेत्र की जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और भाजपा के लोग भी क्षेत्र में प्रचार करके जनता से कमल खिलाने की अपील कर रहे हैं। जी, आज वार्ड 41 में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करवाया हमने। विधायक जी को यहाँ बुलाया हमने, उन्होंने अपने शुभ हाथों से यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा और क्या हुआ? और आज राजेश रस्तोगी जी का भी कार्यक्रम रहा यहाँ पर कन्वेंसिंग के लिए। हम एक हमारा वार्ड 41 में रोशन मियाँ की ज़्यारत है, वहाँ हमने उनके हाथों से और सबको सबके सहयोग के साथ चादर चढ़वाई मज़ार पे जा करके। क्षेत्र में अभिनव जी भी गए हैं और राजेश रस्तोगी भी गए हैं, कैसा रहा? माहौल बहुत अच्छा रखा और सबने प्यार सम्मान दिया और बहुत अच्छा लगा। विधायक जी ने भी बोला सबको कि फरहा का ख्याल रखना है और सारे लोगों ने, हमारे क्षेत्रवासियों ने सबने सब उनको आश्वासन दिया कि हम फरहा के साथ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के फरहा को विजय कराएंगे। देखिए, मैं राजेश रस्तोगी मुरादाबाद के अपने 14 जो मुस्लिम वार्ड है मेरे, उनका मैं प्रभारी हूँ और पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वास करके मुझे ये 14 वार्ड दिए, तो 14 छोटे विधायकों को चुनवाने की मेरी जिम्मेदारी है। ये वार्ड 41 और वार्ड 46, दो वार्ड में आज अभी कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है, भ्रमण भी हुआ है, माननीय विधायक जी भी आके अभी यहाँ से गए हैं। तो फरहा अंसारी जी हैं जो वार्ड 41 से चुनाव लड़ रही हैं पार्षद का, और राशिद कुरैशी जी हैं जो वार्ड 46 से चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का। मैं वार्ड 41 और वार्ड 46 की समस्त जनता से ये अपील करता हूं कि आप पहली बार पार्षद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे फरहा अंसारी जी और राशिद कुरैशी जी को बहुमत से जिताएं और इन्हें छोटी विधानसभा में पहुंचाएं। मेयर के चुनाव में आदरणीय विनोद अग्रवाल जी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी सीट पर कमल के फूल पर मोहर लगाकर हमारे विनोद अग्रवाल जी की जीत में एक बड़ा सा इजाफा करके उनको भी बहुमत से जिताएं। मात्र मेरा आपसे ये कहना है 41 और 46 की जनता से, पहली बार कमल का फूल जिसने 14 मुस्लिम प्रत्याशियों को 14 वार्ड में अपना टिकट दिया है, 14 के 14 वार्ड बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, 41 और 46 बिल्कुल जीत के मुहाने पर खड़े हुए हैं। आप लोगों का अगर आशीर्वाद मिल जाए, आप लोगों का प्यार इन्हें थोड़ा सा मिल जाए और अल्लाह की इनके ऊपर थोड़ी मेहरबानी हो जाए तो इनकी जीत सुनिश्चित है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।